चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा अबाउट पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र के बारे में है। ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर है, देखिए, द डियर्स रेस्क्यू। ठीक है, द डियर्स रेस्क्यू। डियर्स रेस्क्यू का मतलब होता है हिरण का बचाव। ठीक है, डियर का मतलब हिरण, और ये देख रहे हैं आप लोग एपोस्ट्रॉफ एस लगा हुआ है। एपोस्ट्रॉफ एस का मतलब होता है का, के, की, इसमें सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो द डियर्स रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, बचाओ, तो हिरण का बचाओ। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। वंस अपॉन अ टाइम अ ब्यूटीफुल डियर लिव्ड इन द फॉरेस्ट। तो एक समय की बात है, जंगल में एक सुंदर हिरण रहता था। सुंदर यानी ब्यूटीफुल डियर, सुंदर हिरण रहता था। ठीक है, एवरी आफ्टरनून ही वेंट टू लेक टू मीट हिज बेस्ट फ्रेंड। हर दोपहर वह अपने दोस्तों या अपने सबसे अच्छे दोस्तों से मिलने के लिए एक झील पर जाता था। ठीक है, वह जाता था, कहाँ जाता था, वह झील पर अपने सबसे अच्छे दोस्तों से मिलने के लिए झील पर जाया करता था। देखिए, हिज फ्रेंड्स अ टर्टल, अ क्रो एंड अ माउस पेशेंटली वेटेड फॉर द डियर नियर द लेक। उनके दोस्तों जो थे वो एक टर्टल यानी एक कछुआ, एक कौआ और एक चूहा, ठीक है, पेशेंटली वेटेड फॉर द डियर, तो धैर्य मतलब धैर्यपूर्वक हिरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, झील के पास, तो झील के पास क्या कर रहे थे, पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक जो है हिरण की इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। द फोर फ्रेंड्स स्पेंड द आफ्टरनून शेयरिंग विटी स्टोरीज। ठीक है, तो चारों दोस्तों ने दोपहर को मज़ेदार कहानियाँ साझा करने में क्या की, बिताई, अपना समय बिताया। चारों दोस्त जो थे अपनी मज़ेदार कहानी, अपनी बहुत ही विटी स्टोरी जो है शेयरिंग करते थे दोपहर को। ठीक है, और ऐसा करना वो स्पेंड करते थे अपना समय, वो लोग अपनी अपनी कहानियाँ बताकर। देखिए, वन आफ्टरनून द डियर डिड नॉट कम टू द लेक टू मीट हिज फ्रेंड्स। एक दोपहर हिरन अपने दोस्तों से मिलने झील पर नहीं आया। जो डियर थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए झील पर नहीं आया। दे ऑल गोट वरीड, और वे सभी जो है क्या हो गए थे, चिंतित हो गए थे। द माउस आस्क द क्रो टू लुक फॉर द डियर। जो चूहे ने कौवे से हिरन की तलाश करने को कहा, जो चूहे थे कौवे से क्या कहा, लुक टू लुक यानी तलाश करने के लिए, फॉर द डियर यानी डियर की तलाश करने के लिए चूहे ने कौवे से कहा। ठीक है, द क्रो फ्लू ओवर द फॉरेस्ट एंड द फाउंड द डियर ट्रैप्ड इनसाइड द हंटर्स नेट। क्रो, कौवा जंगल के ऊपर से उड़ गया। ठीक है, कौवा जो है जंगल के ऊपर से उड़ गया एंड फाउंड द डियर ट्रैप्ड इनसाइड हंटर्स नेट। तो कौवा जो है जंगल के ऊपर से उड़ गया और उसने हिरन को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। ठीक है, और उसने क्या किया, मतलब हिरन को देखा, शिकारी के जाल में फंसा हुआ उसने देखा, पाया, जैसे कि देख रहे फिगर में, कौवा ने देखा है शिकारी के जाल में हिरन को फंसे हुए। देखिए, द क्रो अप्रोच द डियर एंड सेड इन अ रीअज्यूरिंग वॉइस। क्रो अप्रोच द डियर। ठीक है, कौवा हिरन के पास गया और आश्वस्त स्वर में कहा, यह आश्वस्त, रीअज्यूरिंग का मतलब होता है धीमे स्वर, आश्वस्त स्वर यानी कि सहम रखना किसी चीज़ में, तो आश्वस्त स्वर में कहा, ठीक है, डोंट वरी माई डियर फ्रेंड, चिंता ना करो मेरे दोस्त। ठीक है, चिंता ना करो मेरे प्यारे दोस्त, या ख्याल रखो ऐसे करके, चिंता मत करो मेरे प्यारे दोस्त। आई विल कम बैक विद द माउस टू कट दिस नेट एंड सेट यू फ्री। तो क्या बोलते हैं, मैं इस जाल को काटने और तुम्हें मुक्त करने के लिए चूहे के साथ वापस आऊँगा, चूहे के साथ जो वापस आऊँगा, आई विल कम बैक यानी मैं वापस आऊँगा चूहे के साथ इस नेट को काट करने के लिए और तुम्हें आज़ाद करने के लिए। देखिए, द क्रो रिटर्न टू द लेक एंड नैरेटेड द ट्रबलिंग इंसिडेंट टू द माउस एंड द टर्टल। ठीक है, टर्टल, तो क्रो रिटर्न टू द लेक यानी जो कौवा था वो झील पर लौट आया। ठीक है, वापस लौट आया और चूहे और कछुए को चिंताजनक घटना बताई, यानी नैरेटेड की चूहे को और कछुए को, दोनों को जो ट्रबलिंग इंसिडेंट था, चिंताजनक इंसिडेंट था, वो पूरी कहानी वो इन दोनों को बताई, यानी माउस को और टर्टल को।
देखिए आगे क्या होता है, द माउस क्लाइम्ड ऑन द क्रोज बैक, ठीक है, द माउस क्लाइम्ड ऑन द क्रोज बैक एंड दे फ्ल्यू बैक टू रेस्क्यू द डियर। तो जो चूहा था वो चूहा कौवे के पीठ पर बैठ गया, ठीक है, कौवे के पीठ पर क्या हो गया, क्रोज के बैक पर क्लाइम्ड हो गया, बैठ गया, एंड दे फ्ल्यू बैक टू रेस्क्यू द डियर, और फिर क्या हुआ, और वे हिरन को बचाने के लिए वापस उड़ गए, बैक टू रेस्क्यू यानी बचाने के लिए वापस उड़ गए। द माउस बिगेन टू कट द डियर्स नेट स्विफ्टली, तो माउस क्या करने लगा, तेज़ी से डियर की जाल को काटने लगा, ठीक है, डियर की हिरन की जाल को काटने लगा। द क्रो वॉज शॉक्ड एंड वरीड व्हेन ही सॉ द टर्टल वॉकिंग स्लोली टुवर्ड देम। तो क्रो क्या हो गया था, तो कौवा जब कौवा क्या हुआ, क्रो वॉज शॉक्ड, तो कौवा क्या हो गया, जब बैठ गया उसके पीठ पर, तो फिर कौवा क्या किया, जब कौवे ने कछुए को अपनी धीरे धीरे चलते देखा, मतलब उसने जब टर्टल को, ये जो कछुए था, धीरे धीरे वॉकिंग स्लोली धीरे धीरे चलते जब देखा कछुए को, तो वो क्या हो गया, वरीड और शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया था और चिंतित हो गया था, ठीक है, उनकी तरफ आते हुए देखकर, कौवे जो है वो उनकी तरफ वापस आते हुए देखकर वो बहुत चिंतित हो गया था। इसलिए चिंतित हो गया था क्योंकि वो जो है टर्टल बहुत ही धीरे चलता है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि ये हमारे हंटर जो है इस बीच आ जाए और तभी सभी भाग जाएंगे, लेकिन जो कछुए हैं वो नहीं भाग पाएंगे क्योंकि वो बहुत स्लो चलता है। इसलिए कौवे जो है वो शॉक हो गया और चिंतित हो गया जब उसने देखा किसको, टर्टल को धीरे चलते हुए उनकी तरफ आते हुए, ठीक है। He shouted at the turtle, "Go back! Your life is in danger. I can hear the hunter approaching." उसने चिल्लाया टर्टल पर, ठीक है, वह जो है कछुए पर चिल्लाया, वापस जाओ, go back, वापस जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है, your life is in danger, तुम्हारी जान खतरे में है, I can hear the hunter approaching, I can hear a hunter approaching, मैं शिकारी को आते हुए सुन सकता हूँ, approaching यानी आते हुए, पास आते हुए सुन सकता हूँ। देखिए आगे क्या होता है, द माउस च्यूड द वायर ऑफ द नेट, वायर्स ऑफ द नेट एंड सेट द डियर फ्री, ठीक है, चूहा जो होता है, चूहे ने जाल के तार को चबा लिया, च्यूड का मतलब चबा लेना, जाल के तार को चबा लिया, एंड सेट द डियर फ्री, और क्या हो गया, हिरन को आज़ाद कर दिया। व्हेन द हंटर अराइव्ड द डियर रैन स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट, द माउस हिड इन अ होल एंड द क्रो फ्ल्यू हाई इन द एयर। तो देखिए आगे क्या होता है, जब हंटर अराइव्ड हुआ, जब शिकारी आया, तो हिरन तेज़ी से क्या हुआ, जंगल की ओर भागा, ठीक है, जंगल की ओर भाग गया, और चूहा एक बिल में जाके छिप गया, एंड द क्रो फ्ल्यू हाई इन द एयर, और कौवा जो है हवा में उड़ गया, हवा में क्या हो गया, फ्ल्यू हाई हो गया, यानी हवा में जाकर उड़ गया वो। देखिए However, the slow turtle couldn't escape. तो हालांकि धीमा कछुआ बच नहीं सका, जो धीमा कछुआ था वो couldn't escape, बच नहीं सका। The hunter easily captured the turtle in a net. जो शिकारी जो था वो क्या किया, कछुए को आसानी से जाल में फंसा लिया, कैप्चर्ड कर लिया, निपकड़ लिया, आसानी से जाल में फंसा लिया, ठीक है। He slung it over his shoulder and started heading back home. उसने उसे अपने कंधे पर लटका लिया, उसने क्या किया, कछुए को अपने कंधे पर लटका लिया और घर वापस जाने लगा, heading back home यानी वापस जाने लगा। तो देख रहे फिगर में, देखिए ये वापस लटका लिया है और उसे घर ले जा रहा है, तो इसीलिए कौवे जो है सौंक गया था उसे देखकर कि तुम क्यों आए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो स्लो चलता है, और उसे देखकर वो घबरा गया कि वो कैसे, अगर हंटर आ जाएगा तो वो कैसे भागेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, द माउस एंड द क्रो केम अप विथ अ प्लान टू रेस्क्यू डियर फ्रेंड। हिरन, ठीक है, हिरन, चूहा और कौवा अपने दोस्त को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए क्या किया, बचाने के लिए एक योजना लेकर आए, ठीक है, अपने दोस्त को बचाने के लिए योजना लेकर आए, केम विथ अ प्लान यानी योजना लेकर आए। एज द हंटर अप्रोच द लेक, द डियर ले लाइफलेसली ऑन द ग्राउंड वाइल द क्रो प्रिटेंटेड टू पेक एट इट्स आइज,
ठीक है, एज द हंटर अप्रोच्ड, एज द हंटर अप्रोच का मतलब होता है जैसे ही शिकारी झील के पास पहुंचा, जैसे ही शिकारी झील के पास पहुंचा, हिरन बेजान होकर, डियर जो है मतलब लाइफलेसली का मतलब होता है बेजान होकर, ठीक है, तो हिरन जो है बेजान होकर ज़मीन पर क्या हो गया, ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर क्या हो गया, लेट गया, ले का मतलब होता है लेट जाना, बेजान होकर ग्राउंड पर लेट गया, वाइल द क्रो प्रिटेंडिंग टू पेक एट इट्स आइज, तो लेट गया जबकि कौवा जो है उसकी आंखों में चोच मारने लगा, है ना, उसकी आंखों में चोच मारने का नाटक करने लगा, प्रिटेंड का मतलब बहाना करना, नाटक करना, तो उसकी आंखों पर चोच मारने का नाटक करने लगा क्रो, है ना। देखिए फिगर में देखिए, जैसे कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं आप लोग, तो चोच क्या कर रहा है, उसकी आंखों पर चोच मारने का नाटक कर रहा है ना। द हंटर कुडंट रेसिस्ट द अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर अ डेड डियर, तो शिकारी जो था एक मृत हिरन को, मृत हिरन यानी कि जो डेड डियर थे, मृत हिरन को, ये जो मरे हुए जो हिरन थे उसको पकड़ने के अवसर को, ठीक है, कैप्चर करना मतलब पकड़ना, पकड़ने के अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, अवसर को रोक नहीं पाया, कुडंट रेसिस्ट, कुडंट रेसिस्ट का मतलब रोक नहीं पाया, विरोध नहीं कर सका, वो खुद को रोक नहीं पाया, ठीक है, मरे हुए डियर को कैप्चर करने, कैप्चर के मौका को यानी कि पकड़ने के अवसर को, ठीक है। ही पुट डाउन द टर्टल अलोंग विथ हिज बेलोंगिंग्स एंड रैन टुवर्ड्स द डियर, ही पुट डाउन द टर्टल, ही पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है मतलब ही पुट डाउन द टर्टल, उसने क्या किया, कछुए को उसके सामने जो है नीचे रख दिया, है ना, पुट डाउन मतलब नीचे रख देना, तो देखिए तो उसने कछुए को, तो उसने क्या किया, कछुए को क्या कर दिया, कछुए को उसके सामने सहित नीचे रख दिया, मतलब सॉरी उसके सामने मतलब सामान सहित नीचे रख दिया और हिरन की ओर दौड़ा, ठीक है, हिरन की जो ओर था वो दौड़ गया, मतलब जो वो कछुआ अपने कंधे पर लटका के रखा था, जो पकड़ के रखा था उसे जाल में, वो जो है पूरा रख दिया नीचे, ठीक है। विथ हिज बेलोंगिंग्स का मतलब होता है उसके सामान सहित, ठीक है, उसके सामान सहित, अलोंग विथ हिज बेलोंगिंग्स का मतलब उसके सामान सहित उसने टर्टल को क्या कर दिया, पुट डाउन कर दिया, रख दिया, एंड रैन टूवर्ड्स द डियर, और तेज़ी से भाग गया किसके तरफ, हिरन की तरफ, है ना, हिरन की तरफ दौड़ा। देखिए आगे क्या होता है, द माउस क्विकली अप्रोच द टर्टल एंड द च्यूड द नेट ओपन, द नेट ओपन विथ हिज शार्प टीथ, ठीक है, माउस क्विकली अप्रोच द टर्टल, चूहा जो है क्या किया, तेजी से कछुए के पास आया, टर्टल के पास आया, एंड च्यू द नेट ओपन विथ हिज शार्प टीथ, और च्यूड का मतलब चबा लिया, है ना, तो च्यू का मतलब क्या होता है, चबा लिया, उसके पास आया और अपने तेज दांतों से जाल को चबा लिया, शार्प टीथ का मतलब तेज दांतों से, अपने तेज दांतों से क्या कर लिया, उसे नेट को चबा लिया, खोल कर उसे और चबा लिया, है ना। ही अर्ज द टर्टल लेट्स एस्केप बिफोर द हंटर, एस्केप बिफोर द हंटर्स रिटर्न्स, ही अर्ज द टर्टल, ही अर्ज द टर्टल, उसने कछुए से आग्रह किया, अर्ज का मतलब आग्रह किया, उसने कछुए से आग्रह किया, लेट्स स्केप बिफोर द हंटर रिटर्न्स, ठीक है, लेट्स स्केप, उसने आग्रह किया कि चलो शिकारी के लौटने से पहले भाग जाएं, क्या बोलते हैं, चलो शिकारी के लौटने से पहले, चलो शिकारी के भागने से पहले, ठीक है, शिकारी के लौटने से पहले जो है भाग जाएं, गो इनसाइड द लेक एंड हाइड अनटिल इट इज सेफ टू कम आउट, गो इनसाइड का मतलब क्या होता है, झील के अंदर जाओ, ठीक है, झील के अंदर जाओ, एंड हाइड अनटिल इट इज सेफ टू कम आउट, झील के अंदर जाओ और तब तक छिपो जब तक बाहर आना, जब मतलब अनटिल का मतलब यहाँ तब तक, जब तक मैं ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं, तो तब तक छिपे रहो या छिपो जब तक कि बाहर आना सुरक्षित ना हो, ठीक है, कम आउट मतलब बाहर आना, जब तक बाहर आना सुरक्षित ना हो तब तक छिपे रहो, तब तक हाइड रहो। देखिए आगे क्या होता है, द टर्टल हाइड इन द लेक वाइल द माउस टुक शेल्टर इन साइड अ होल इन द ग्राउंड, टर्टल, ठीक है, कछुआ जो है क्या हो गया, झील में छिप गया, ठीक है, लेक में जाकर छिप गया, जबकि वाइल मतलब जबकि द माउस
took shelter inside a hole in the ground. जबकि चूहा जो है वो क्या किया, बगीचे में, है ना, चूहा क्या किया ग्राउंड में जाके, बगीचे नहीं ग्राउंड में जाकर, ठीक है, तो ग्राउंड में जाकर एक होल में, होल के अंदर जाके शेल्टर लिया, मतलब उस बिल में जाकर अंदर छिप गया, है ना। द क्रो वॉज रिलीव्ड टू सी दैट हीज फ्रेंड्स वर सेफ, ही सिग्नल्ड टू द डियर। तो क्रो वॉज रिलीव्ड, क्रो यानी कौवा जो है, कौवा यह देखकर, कौवा जो है देखकर क्या हुआ, राहत की सांस ली। रिलीव का मतलब राहत की सांस लेना, अपने दोस्तों को सेफ देखकर, यानी अपने दोस्तों को क्या देखकर, सुरक्षित देखकर। ही सिग्नल टू डियर, टू द डियर ही सिग्नल्ड, तो उसने क्या किया, हिरन को इशारा किया, सिग्नल किया, सिग्नल मतलब इशारा करना, उसने डियर को क्या किया, इशारा किया। देखिए आगे क्या होता है, द डियर गोट अप क्विकली एंड रैन अवे वाइल द क्रो फ्लू एंड सेट ऑन द हाइएस्ट ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री। जो डियर था, जो हिरन था, वो क्या हुआ, तेजी से उठकर, मतलब क्विकली तेजी से उठकर क्या हुआ, भाग गया, है ना, मतलब वहाँ से जब देखा कि हिरन, मतलब वो जो कौवा था, वो जो नाटक कर रहा था ना, उसको ये करने का, पे उसकी आंखों पर चोंच मारने का, तो डियर जैसे ही मतलब उठा, वो तेज़ी से उड़कर भाग गया, जबकि कौवा जो है उड़कर एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर, ठीक है, मतलब सबसे ऊंची जो है ना, हाईएस्ट ब्रांच ऑफ अ टॉल ट्री, तो सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया, सेट, ठीक है, क्विकली तेज़ी से वो जाकर भाग गया, और जबकि कौवा जो है वो उड़ गया, मतलब सबसे ऊंचे ब्रांच जो है टॉल ट्री पर बैठ गया। द डिसअपॉइंटेड हंटर वेंट बैक टू फेच द हंटर, तो डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, ठीक है, तो निराश शिकारी कछुए को, ठीक है, कछुए को लाने के लिए, टर्टल को, टू फेच का मतलब लाना, कछुए को लाने के लिए क्या हुआ, वापस चला गया, वेंट बैक, वापस चला गया। ही वॉज शॉक्ड टू सी द टॉर्नेट, वह जो है मतलब वह क्या हो गया, टॉर्नेट यानी फटा हुआ, है ना, फटा हुआ जाल देखकर वह जो है चौंक गया, जब नेट को देखा फटा हुआ, जो शिकारी था वह देखा फटा हुआ जाल देखकर वह क्या हो गया, चौंक गया। द फोर फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड दियर एस्केप एज द हंटर वेंट बैक होम एम्प्टी हैंडेड, जो फोर फ्रेंड्स थे, चारों दोस्त थे उनके, सेलिब्रेट किए, क्या किए, सेलिब्रेट किए, या सेलिब्रेट का मतलब जश्न मनाए वो लोग, ठीक है, अपने बचने का, एज द हंटर, हंटर से बचने का, ठीक है, वेंट बैक होम एम्प्टी हैंडेड, यानी कि क्या होता है इसका मतलब, जब शिकारी खाली हाथ, जब मतलब जो शिकारी था वो खाली हाथ घर वापस चला गया, तो चारों दोस्तों ने भागने का जश्न मनाया, ठीक है, चारों दोस्तों ने भागने का क्या किया, ये जश्न मनाया, ठीक है, सेलिब्रेट किया अपने छुटने का, अपने स्कैप होने का। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए मोरल में इसमें क्या बोला गया है, टीम वर्क कैन हेल्प ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स, टीम वर्क, है ना, टीम वर्क का मतलब होता है एक जुट, एक ग्रुप, है ना, तो टीम वर्क जो होते हैं सभी बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है, ठीक है, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, दूर करने में मदद करता है, ओवरकम सभी बाधाओं को, है ना, सभी बाधाओं को दूर करने में क्या करता है, मदद करता है, यानी टीम वर्क जो होता है वो एक बहुत ही मजबूत जो है, एक पावर जो है वो बनाती है, एक, है ना, टीम बनाती है, जिससे मदद करते हैं दूसरे को, एक दूसरे को मदद करने में आसानी होती है। तो देखिए स्टोरी में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, स्टोरी पढ़ के आप लोगों स्टोरी में समझ में आ गया होगा, स्टोरी क्या हुआ था इस कहानी में, ठीक है, चार दोस्त थे, चारों दोस्तों ने एक दूसरे की हेल्प कैसे की, है ना, और कैसे शिकारी से इन लोग आपस में एक दूसरे से बच पाए। तो चलिए, तो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर फिर लेकर आऊँगी, और उम्मीद है कि आप लोग इस मेरे चैप्टर को ज़रूर पढ़ते होंगे, डिटेल में पढ़ते होंगे, है ना, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।